फैक्ट नंबर वन, गाइस जया किशोरी जी आध्यात्म जगत का ऐसा नाम है जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में दुनिया को ये दिखा दिया कि आध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ बड़े बुजुर्गों का ही काम नहीं है, बल्कि यंगर जनरेशन भी इसमें महारत हासिल कर सकती है। जी हाँ गाइस, जिस 8 से 10 साल की उम्र में बच्चे किताबों के पन्ने पलटते हैं या फिर स्टूडेंट लाइफ जीते हैं, उस उम्र में जया किशोरी जी ने मद भागवत गीता, नानी बाई का मायरो, नरसी का भात जैसी कथाएं सुनाकर दुनिया को मंत्र मुग्ध कर दिया। ऐसा नहीं था कि कथा के चलते जया किशोरी जी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, बल्कि उन्होंने समय निकालकर बीकॉम भी पूरी की। यही नहीं, जब वो केवल 6 साल की थी तब से ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण से इतना लगाव था कि वो जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान के लिए विशेष पूजा करती थी और उन्हें अपना भाई बंधु मानती थी। फैक्ट नंबर टू, गाइज, साउथ इंडियन सुपरस्टार अल्लू अर्जुन वैसे तो पहले से ही कामयाब अभिनेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा ने मानो उनकी पॉपुलैरिटी को अलग ही रुख दे दिया हो। अब तो आलम यह है कि अल्लू अर्जुन की तगड़ी फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेश में भी है, और ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला अमेरिका न्यूयॉर्क की इंडिया डे परेड में, जहां अल्लू अर्जुन को देखने के लिए फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। लेकिन इस परेड में एक ऐसा वाकया सामने आया जिसे देखने के बाद आप भी गर्व महसूस करेंगे। जी हां गाइस, अल्लू अर्जुन ने इस परेड में हजारों अमेरिकन के बीच भारत के तिरंगे को हाथ में लेकर पुष्पा स्टाइल में कहा, ये भारत का तिरंगा है, कभी झुकेगा नहीं, जिसे सुनते ही लोगों ने तालियां और सीटियां बजाना चालू कर दिया। यही नहीं, अल्लू अर्जुन ने न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स को अपनी फिल्म पुष्पा का फेमस डायलॉग झुकेगा नहीं के जरिए झुकने पर मजबूर कर दिया।